लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसी खुशियां चंद दिनों की होती है जो बाद में बद्दुआ बन जाती है। क्या तुम चाहते हो कि रूही की जिंदगी बद्दुआ बन जाए? डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। रूही ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अगर वो मुझे सहारा नहीं देती तो पता नहीं आज मेरी जिंदगी का रुख क्या होता। तो फिर तुम्हें उसकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, उसकी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तुम लोगों के पास अपनी खुशी का सोच रहे मतलब परस्त हो गया था? नहीं डॉक्टर साहब, मैं मतलब परस्त नहीं हूं। तो फिर उसकी खुशी में अपनी खुशी समझो और जिंदगी के साथ समझौता करो। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर रूही की खुशी यही है तो यही सही, लेकिन मुझे रूही को एक बार मिलना होगा। अंकल, सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम ता, आओ। अरे भाई बैठो, कैसे आना हुआ? अंकल ये क्या कह रहा है, क्या मैं अब यहाँ आ भी नहीं सकता? नहीं बेटा, अब तुम्हारा वैसे भी यहाँ है ही क्या, न तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता रहा और ना ही इस घर से। अंकल इन कुछ दिनों में आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं अपनी दुनिया ही भूल गया। अरे छोड़ो पुरानी बातें बेटा, अब उन बातों का क्या फायदा। तुम जाओ अपनी दुनिया में, खुश रहो। और आप लोग? ता, मेरी जिंदगी तो अंधेरों में गर्क हो चुकी है। मेरी बेटी की दिमागी हालत खराब है और मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अंकल ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? ये तो वही बात हो गई जैसे किसी को जिंदगी दी जाए लेकिन जिंदगी गुजारने के सारे हक छीन लिए जाए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ अंकल, मैं सब कुछ जान चुका हूं। तू ही बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शहबाज ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओ अंकल, आप तो रूही से प्यार करते हैं। उसकी एक खुशी आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। फिर आपने उससे ये खुशी क्यों छीन ली? बेटा रूही की खुशी के लिए मैंने सब कुछ किया। बेटा मेरे लिए तो रूही की खुशी थी तुमसे शादी करना, जिसे करवाने की मैंने हर चंद कोशिश की, लेकिन बाद में रूही की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी तुम्हारा और जूबी का मिलन। तो उसने जो चाहा मैंने वो कर दिया। रूही की जितनी भी तारीफ की जाए कम है अंकल। मेरी खुशियों के लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अंकल मैं उससे मिलना चाहता हूं। बेटा वो चली गई है यहां से। कहां चली गई? अपनी खाला के पास। लेकिन कहां? बैंगलोर। मुझे उसका पता चाहिए। नहीं था, उसने मुझे मना किया है और तुम्हें क्या मतलब अब इन सब बातों से? तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, आबाद रहो, बस हम यही चाहते हैं। अंकल प्लीज। नहीं बेटा,
मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अंकल रूही के सेल पे तो बात कर सकता हूँ ना? बेटा उसने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है। ओह अंकल मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। बेटा वो मुझसे नाराज हो जाएगी। अंकल प्लीज मैं उसे समझा दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे उसको तकलीफ पहुंचे या परेशानी हो। अंकल प्लीज आपने मुझ पर आज तक बहुत एहसान किया। एक एहसान और कर दीजिए। मुझे रूही का नंबर दे दीजिए। फोन क्यों काट रही है? पिकअप। क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हो? देखो रोहित प्लीज फोन मत काटना। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुमसे कुछ बात करूंगा उसके बाद फोन रख दूंगा और फिर कभी फोन नहीं करूंगा। ये मेरा वादा रहा। तुमने मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई, कोई मुझसे प्यार करती रही और मुझसे प्यार करने का हक छीन लिया। अपनी अपनी सारी जिंदगी जला दी, मेरी जिंदगी रोशन कर दी। तुम बहुत अच्छी हो रोहित, बहुत अच्छी हो रोहित। आज तुमने मुझे उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि तुम्हारी तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। किसी इंसान को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए रोहित कि दूसरे को अपने आप से शर्माने लगे। रोहित
तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों किया तुमने ये? रूही अब तुम्हारा क्या होगा? रूही क्या होगा तुम्हारा? खुशियों से मेरी पुरानी दुश्मनी है ताहा। पता नहीं क्यों मेरे पास आती ही नहीं, और वैसे भी ताहा इस दुनिया में हर इंसान खुशियां बटोर कर तो नहीं जाता ना, और वैसे भी बहुत से लोग कमों को सरमाया बनाकर इस दुनिया से चले जाते। मैं भी चली जाऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी। हेलो हेलो रूही, रूही साहब चाय ले क्या हो? मैं गर्म। क्या बात है साहब, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। अब क्या हुआ? अब तो अल्लाह ताला ने सब कुछ सही कर दिया। तुम ठीक कह रहे हो प्यारे, लेकिन इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई गम जुड़ जाता है। गम? अब क्या हो गया? मुझे इस बात की खुशी है प्यारे कि बड़े अब्बू को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जीबी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी। मुझे मेरी सारी खुशियां मिल गई है, लेकिन अच्छा अच्छा मैं समझ गया, आपको अम्मी जान की याद आ रही है। अम्मी की हालत अभी संभल गई है, अब वो ठीक भी हो जाएंगे। मुझे सिर्फ रूही की फिक्र है। क्या हो गया रूही को? आज जो मेरी जिंदगी में खुशियां हैं वो सब रूही की कुर्बानियों का नतीजा है। उसने अपनी खुशियां मारकर मुझे खुशी दी। मुझे और सुधी को एक करने के लिए उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, और जब वो नाकाम हो गई उसने पागल बनने का ड्रामा किया और मेरी जिंदगी से अलग हो गई। साहब, इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वो होके रहता है,
इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, उसे हालात से समझौता करना पड़ता है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन रूही के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं। जुबी मुझे मिल गई, मैं जुबी को मिल गया, लेकिन उस बेचारी को क्या मिला? गम, आंसू, तन्हाइयां, ये बोझ जिंदगी भर मेरे दिल पर रहेगा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। साहब, वक्त हर जख्म का मरहम है। वो बड़े से बड़े जख्म को मार देता है। ये जख्म नहीं है प्यारे, नासूर है, और नासूर कभी नहीं भरता है, कभी नहीं भरता है। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम कौन बोल रहे हो? हम बिहार के लल्ला और बदायूं के शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप? जी जी, बोलिए। मुझे नजमा से बात करनी है। जी, वो मुंबई से बाहर गई हुई है। अभी तक आई नहीं क्या? हाँ जी, नहीं। किसका फोन था? वो इंस्पेक्टर यासीन खान साहब का फोन था, बड़ी अम्मी के बारे में पूछ रहे थे। किस सिलसिले में? एक बार वो घर पर भी आ चुके हैं, बड़ी अम्मी रबी रापा के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन इंस्पेक्टर को बड़ी अम्मी भाई बहन से क्या काम होगा? मुझे वो तो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। ये इंस्पेक्टर साहब के बोलने का अंदाज ही अलग था। ऐसा लगता है साहब, बड़ी अम्मी और अबीरा आपा मुजरिम है। क्या बात हो सकती है? कहीं शेर खान ने कोई हरकत तो नहीं कर दी? साहब, मुझे लगता है बड़ी अम्मी ने जो भी गलत काम किया है, शेर खान शामिल था उसमें। शेर खान ने आप लोगों से पैसा मांगा, आप लोगों ने मना कर दिया। मुझे लगता है शेर खान कोई हरकत कर रहा है। अगर शेर खान ने ऐसी हरकत की है तो बहुत गलत किया है। अब क्या करेंगे साहब? पुलिस तो खामोश नहीं बैठेगी। जब तक मामला रफा दफा ना हो जाए, बड़ी अम्मी और भाभी जान को इस घर में आने से रोकना होगा। क्या ऐसा हो सकता है? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी अम्मी और भाभी जान चौधरी खानदान की आबरू है, और अगर उन पर इल्जाम लगा और उन्हें हवालात जाना पड़ा तो चौधरी खानदान पर दाग लग जाएगा, और ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं।